यस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आप पहले से ही यस बैंक के कस्टमर हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। फिर आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर देनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे कंसेंट देंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जो भी हैं वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आपको अपना कंपनी नेम या बिजनेस नेम जो भी अपने आपने कार्ड पर चाहिए उसको यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, ऑफिस एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे पिन कार्ड और सिटी डालेंगे और यहाँ से आप चूज अ प्रेफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस, रेजिडेंट या फिर ऑफिस, दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नो इनकम डॉक्स पे सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सामने यस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे वो सारे कार्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको जौन सा भी कार्ड चाहिए आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी लिमिट भी आपको दिखा दी जाएगी, जो कि आपके सिविल स्कोर पर निर्भर करती है और आपके बिजनेस पर निर्भर करती है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और अगर आपको व्यू डिटेल देख लेंगे, आप जो भी कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी और आप ऊपर फिर कंसर्न पर क्लिक करके और सिलेक्ट कार्ड कर देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे और आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको यहाँ पर एक रुपए कार्ड भी मिल जाएगा, जो कि फ्री में वर्चुअल रुपए कार्ड मिलेगा आपको। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पर स्किप डू नॉट वॉन्ट रुपए क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप ये नहीं ले सकते। उसके बाद आप यहाँ पर इसको यस करेंगे और सेव एस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे नेम ऑन कार्ड, मटेरियल स्टेटस, फादर नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेजिडेंट एंड लैंडलाइन, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और रिलेशन डालना है विद अल्टरनेट कॉन्टेक्ट पर्सन, मतलब जो भी उनका अल्टरनेट है वो उसका, और फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी है, जैसे टाइप ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ बिजनेस, डिपार्टमेंट, डेजिनेशन, ये सब फिल करने के बाद आपको अपने यहाँ पर, जैसे अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कितने साल से कर रहे हैं, और नीचे वाले में आपका टोटल पीरियड एम्प्लॉयड, मतलब आपको कितने साल हो गए हैं इस बिजनेस में। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फिल करने के लिए यू हैव एनी रिलेशन, मतलब जो भी बैंक के जो अधिकारी हैं, अगर आप सीनियर हैं जिसके रिलेशन है तो यस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर अपनी नॉमिनी डिटेल्स डालेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ का नाम और आपका क्या रिलेशन है उसे वो करेंगे और यहाँ पर फिर नीचे कंसल्ट पे क्लिक करेंगे। कंसल्ट करने के बाद सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपका नॉमिनी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आधार की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपकी वीडियो की KYC होगी, वीडियो ऑनलाइन KYC होगी। उसके लिए आपके सामने एक एजेंट आएगा, जो भी यहाँ से सर्च होकर आपके सामने एक एजेंट आ जाएगा, जो कि वीडियो पर उस पर आपकी बात होगी और KYC कंप्लीट होगी। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू हो जाएगी और यहाँ से जब वीडियो KYC चालू होगी तो आपसे जो भी पूछा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपसे एक ब्लैंक पेपर सिग्नेचर कराए जाएंगे आपके, तो आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप यस बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।